धड़क और गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाने वाली बॉलीवुड अदाकारा जाह्नवी कपूर और बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक्टर राजकुमार राव पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं फिल्म रूही में। इस फिल्म की चर्चा लंबे समय से हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में फकरे के चूचा यानी कि वरुण शर्मा भी कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ट्रेलर काफी पहले रिलीज हो चुका है और 11 तारीख को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फैंस काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन उससे पहले ही आपको हम ये बता दें कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या क्या है जो आपको जानने की जरूरत है। ट्रेलर काफ़ी शानदार है और फिल्म देखने के लिए उत्सुकता पैदा करता है। जी हाँ, ट्रेलर से ही रिलेटेड वो पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। पहली पॉइंट ये कि इस फिल्म की कहानी एक चुड़ैल के इर्द गिर्द घूमेगी जो किसी की शादी के बाद दूल्हे की आंख लगते ही दुल्हन को उठा ले जाती है। जी हाँ, इस फिल्म में चुड़ैल भगाने के मज़ेदार तरीकों को भी खूबसूरती से दिखाया जाएगा जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिल जाती है। दूसरी पॉइंट ये कि भूतिया अवतार में जाह्नवी कपूर खूब जमी हैं और उन्होंने एक साथ दो दो किरदार को निभाने का चुनौतीपूर्ण काम किया है। एक समय में वह सामान्य नजर आती हैं तो अगले ही पल वो चुड़ैल के रूप में दिखाई देती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि चुड़ैल जाह्नवी कपूर से राजकुमार राव को प्यार हो जाता है। दोनों के साथ वाले सीन देखकर डर भी लगता है और हंसी भी आती है। रूही की कहानी स्त्री की कहानी से आगे की लगती है। जी हाँ, ये था तीसरा पॉइंट। अब हम आपको चौथा पॉइंट बताने वाले हैं। चौथा पॉइंट ये है कि राजकुमार राव और दिनेश विजन इस फिल्म को लेकर पहली बार साथ नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसके पहले भी दोनों ने हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री में काम किया था। जी हाँ, राजकुमार राव काफ़ी सजग लगे हैं। जहाँ डर की ज़रूरत है वहाँ सहमे हुए नजर आए हैं और जहाँ हिम्मत की ज़रूरत है वहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आए हैं। पांचवा पॉइंट ये कि राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर पहली बार साथ काम कर रहे हैं। वहीं कॉमेडी एक्टर वरुण शर्मा भी इन दोनों सितारों के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। वरुण शर्मा को फुकरे में जिस तरह भोली पंजाबन से प्यार हो जाता है उसकी तरह इस फिल्म में वह चुड़ैल से भी प्यार करने लगते हैं। जी हाँ, वह शाहरुख खान की फिल्म की एक सीन को रिक्रिएट करते हुए नजर आए हैं। उन्हें स्क्रीन पर देखते ही दर्शकों को हंसी आ जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि ये फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक भूतिया चुड़ैल के इर्द गिर्द घूमने वाली है ये फिल्म। जब ये फिल्म रिलीज होगी उसके बाद इसकी पूरी कहानी हमें समझ आएगी। फिलहाल ट्रेलर से तो इतना ही समझ आ रहा है। जी हाँ, तो फिल्म की शूटिंग मनाली और उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर हुई है। यह फिल्म पिछले साल स्क्रीन पर हिट होने वाली थी। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। वर्क फ्रंट की बात करें तो राजकुमार राव इस फिल्म के अलावा बधाई दो को लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। जी हाँ, जाह्नवी कपूर को इस फिल्म में बहुत पसंद किया जा रहा है। अब इंतज़ार है बस 11 मार्च का, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट नाइन लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।